नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। किसान आंदोलन पर मचे सियासी घमासान के बीच संसद में गुरुवार को एक अहम मुलाकात हुई। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव पहुंचे थे। आपको याद हो, अमित शाह ने बुधवार को ट्वीट के जरिए पलटवार किया था। ट्वीट में उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि कोई प्रोगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता, एकजुट होकर प्रगति की ओर हम बढ़ने का काम करेंगे, कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट को कोट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही थी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 फरवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है। कई जिलों में बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची को छोड़कर झारखंड के दूसरे जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। रांची के मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि शनिवार को राजधानी और आसपास के जिलों में बारिश और बादल का पूर्वानुमान है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज कोचिंग खोलने पर सरकार का बड़ा फैसला आज। राज्य में ऊपरी कक्षाओं के लिए स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों तथा कोचिंग संस्थानों को खोलने पर शुक्रवार को निर्णय हो सकता है। बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक इस पर निर्णय हो सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऊपरी कक्षाओं, खासतौर 9वीं तथा 11वीं के लिए भी स्कूलों को खोलने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेजेंटेशन भेजा है। वहीं राज्य में कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर लंबे समय से मांग हो रही है। नियोजन नीति से जुड़ी बहालियां रद्द। राज्य कैबिनेट ने नियोजन नीति के तहत जिला स्तरीय पदों पर 10 वर्ष के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान करने वाले संकल्प को वापस ले लिया है। बता दें, हाई कोर्ट ने पहले ही इसे रद्द करने को कहा था। अब अधिसूचित और गैर अधिसूचित जिलों के लिए जारी दोनों संकल्पों को वापस लेने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रक्रियाधीन तमाम नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, जिन लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनकी नियुक्ति को अपूर्ण मानते हुए इससे संबंधित विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। नियोजन नीति वापस लेने के निर्णय पर पूर्ण विचार करे सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नियोजन नीति वापस लेने के राज्य सरकार के निर्णय पर पूर्ण विचार का आग्रह किया है। वे गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब थे। बाबूलाल ने कहा कि पहले वर्ष 5 लाख नौकरी के सपने दिखाकर सत्ता में आने वाली सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी देने के बजाय नौकरियां छीनने में लगी है। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा झारखंड के युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने के लिए 24 जिलों के पदों को राज्य के युवाओं के लिए सुनिश्चित कराया था। इससे पहले राज्य के 13 अनुसूचित जिलों को और बाद में कमेटी की अनुशंसा के बाद 11 गैर अनुसूचित जिलों को शामिल किया गया था। खूंटी में पुलिस की उग्रवादियों से मुठभेड़। झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस की उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बता दें, खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के बिरसौरा गांव के पास जंगल क्षेत्र में पुलिस और पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर लांका पाहन दस्ता के सदस्यों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है। नक्सली पुलिस को भारी पड़ता देख अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। दुमका को सिल्क सिटी के रूप में पहचान दिलाएगी हेमंत सरकार, रेशम धागों से आत्मनिर्भर। दुमका की रूबी कुमारी रेशम के धागों को आकार देने में माहिर और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। बता दें, रूबी दिव्यांग होने के बावजूद कभी निराश नहीं हुई और संघर्ष के बूते सफलता की कहानी लिखी। राज्य सरकार ने भी 27 वर्षीय रूबी के हौसले को सराहते हुए उसका चयन मयूराक्षी सिल्क उत्पाद सह प्रशिक्षण केंद्र दुमका में धागाकरण और बुनाई के लिए किया। मई में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बता दें, पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के साथ ही पंचायत चुनाव के अटकले तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों की माने तो सरकार की मंशा मई में पंचायत चुनाव कराने की है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अधिकृत निर्णय डीके तिवारी के प्रभार लेने के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं विघटित हो गई है। इनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो चुका है। 5 फरवरी को हेमंत सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार।
झारखंड में हेमंत सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार शुक्रवार को होगा। चर्चा है कि दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें, मंत्री पद के शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन में तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा गई हुई है, शुक्रवार को रांची पहुंच जाएंगी, उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। झारखंड में 58 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। जो बोकारो, लातेहार व कोडरमा से 2-2, धनबाद व दुमका से 3-3, गढ़वा, पाकुड़, रामगढ़ व गुमला से 1-1 तथा रांची से 33 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1077 है। वहीं झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 447 है। भारत में 12,401 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 154,862 है। वहीं भारत में कुल एक्टिव केस 148,750 है। कोरोना संक्रमण काल में श्रमिकों पर दर्ज 30 मामले होंगे वापस। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के तहत दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की स्वीकृति मंत्री परिषद की बैठक में दी गई है। बता दें, पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया है। इसमें रांची के सीली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। वहीं लोहरदगा के विभिन्न थानों में 15, सिमडेगा में 2, जमशेदपुर में 1, चाईबासा में 5, दुमका में 1, साहिबगंज में 4 और पाकुड़ जिले में 1 प्राथमिकी थाने में दर्ज था। गुमला पुलिस के दबाव में आकर PLFI एरिया कमांडर सहित 2 नक्सलियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। गुमला पुलिस के दबाव में आकर PLFI के 2 उग्रवादियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है, जिसमें कामडारा प्रखंड के सरिता जोन के एरिया कमांडर संजय सुरीन और PLFI दस्ता सदस्य मंगरा टोपनो हैं। इन दोनों पर हत्या, आर्म्स एक्ट 17, CLA एक्ट एवं लेवी मांगने का आरोप है। गुमला के बसिया, कामडारा व खोटी जिले के थाने में प्राथमिकी दर्ज है। बता दें, दोनों नक्सलियों द्वारा सरेंडर करने के बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने पहली CSR नीति को मंजूरी दी। राज्यवासियों से समग्र विकास के प्रति सरकार संवेदनशील है। बता दें, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और आजीविका के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने और लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की चुनौतियों से निपटने एवं अनुकूल वातावरण बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपनी पहली CSR नीति को मंजूरी दी है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की CSR के तहत होने वाले समान विकास कार्यों के दोहराव से बचा जा सके। अस्पतालों का जायजा लेने जिलों का दौरा करेंगे अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी अब मुख्यालय में फाइल निपटाने के साथ साथ क्षेत्र का भी भ्रमण करेंगे। बता दें, स्वास्थ्य सचिव के सोन ने इसके लिए पदाधिकारियों को 3-3 जिलों की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें जिला प्रभारी बनाया है। बता दें, ये सभी पदाधिकारी अपने अपने जिले में सदर अस्पतालों का भ्रमण कर वहाँ की पूरी स्थिति का जायजा लेकर सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें, चंद्रकिशोर उरांव को रांची खुट्टी पश्चिमी सिंहभूम, वहीं प्रभात कुमार को गुमला सिमडेगा लोहरदगा, आलोक त्रिवेदी को दुमका पाकुड़ साहिबगंज, दिलेश्वर महतो को हजारीबाग चतरा कोडरमा, विद्यानंद शर्मा पंकज को जमशेदपुर सरायकेला खरसावा, राजेश कुमार को देवघर गोड्डा जामताड़ा, सीमा उदयपुरी को धनबाद बोकारो गिरिडीह और विजय वर्मा को पलामू गढ़वा लातेहार के लिए नियुक्त किया गया है। झारखंड में एक साथ होगी 4 वर्षों की JPSC एग्जाम। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का कई वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को लेकर सूचना जारी करने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। कार्मिक विभाग से आयु सीमा में छूट संबंधित आदेश का पत्र मिलते ही परीक्षा की सूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग इसी शनिवार या अगले सप्ताह की शुरुआत में इस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर सकता है। बता दें, लगभग 300 पदों के लिए होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ 4 वर्षों, वर्ष 2017 से 2020 तक के लिए होगी। झारखंड के प्रत्येक पंचायत में लगाए जाएंगे 5 हैंडपंप। झारखंड कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले चापाकल पर पिछले 10 वर्षों से लगी रोक को हटाते हुए प्रत्येक पंचायत में 5 चापाकल लगाने के निर्णय को बुधवार को स्वीकृति दी है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पेयजल की समस्या से नहीं जूझना होगा। बता दें, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पंचायत में लगने वाले हैंडपंप चापाकल स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर लगाए जाएंगे।
किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी 13 को पद यात्रा, 20 को हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसानों के समर्थन में विस्तृत आंदोलनात्मक गतिविधियां शुरू करने जा रही है। बता दें इसकी शुरुआत 10 फरवरी को प्रखंड स्तर पर आयोजित ट्रैक्टर रैली से होगी और 13 फरवरी को जिला मुख्यालयों में 10 से 20 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद राज्यव्यापी ट्रैक्टर रैली हजारीबाग में आयोजित होगी। इसमें भाग लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के 4 नए कॉलेजों में नामांकन शुरू। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 नए कॉलेजों में नामांकन जारी है। बता दें इन कॉलेजों में नामांकन के लिए 15 फरवरी तक आवेदन मांगा गया है। इन कॉलेजों में मॉडल डिग्री कॉलेज बानो सिमडेगा, विवेंस कॉलेज सिमडेगा, मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा गुमला, विवेंस कॉलेज लोहरदगा शामिल है। बता दें हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 4 कॉलेज का, 2 कॉलेज सिमडेगा, 1 गुमला और 1 लोहरदगा में उद्घाटन किया है। डीसी एसएसपी ने लिया कोरोना का टीका। डीसी छवि रंजन व एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र में कोरोना का टीका लिया। बता दें टीका लेने के बाद डीसी ने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। टीकाकरण को लेकर लोग कई प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोरोना को मात देने के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। पारा शिक्षक 10 फरवरी को सीएम आवास के समक्ष करेंगे प्रदर्शन। राज्य के 65,000 पारा शिक्षक 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। बता दें पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण और वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों और 24 जनवरी को मंत्रियों के आवास के बाहर धरना दिया था। अब 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी बजट सत्र में झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। पलामू हजारीबाग में हाथियों का उत्पात। पलामू और हजारीबाग जिले में बुधवार की रात जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में देर रात हाथियों के झुंड ने एक वृद्ध दंपति पर हमला किया। हाथियों ने फूलो देवी और उनके पति वासुदेव राम को उठाकर पटक दिया। रात करीब 10 बजे हुई इस घटना के समय दोनों अपने पुराने घराने से कुछ दूर बने एक नए घर में सोने जा रहे थे।